फाइनली जी वी हैव बॉट मोरोई GM-X8 वायरलेस माइक। अगर मैं आपको कहूं कि आप अपने किसी एक सब्सक्राइबर को 1,00,000 रुपए दे तो आप देंगे? 1,00,000 रुपए? मुश्किल सवाल कर रहे यार। आप लोगों ने फैसला करना है कि इसकी आवाज किस तरह आ रही है। आप लोगों को व्लॉगिंग में अच्छी आवाज़, अच्छी वॉइस देने के लिए मैंने वायरलेस माइक खरीदा है, ताकि आप लोगों को पिक्चर के साथ साथ जो है ना ऑडियो भी अच्छी आए, और उसी के बारे में आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलें देखते हैं जी वीडियो में मैंने कौन सा माइक लिया और किस तरह जनाब वो वर्क करते हैं। तो फिलहाल जी मेरे चैनल पर 1K सब्सक्राइबर जो है वो पूरे होने वाले हैं, सिर्फ 10 के 11 रह गए। अगर 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए तो आप क्या करेंगे भाई जान? यार इस 1000 बंदे में से जो मुझे जो काम कहेगा मैं वो करूंगा। मैं भी आपका एक सब्सक्राइबर हूँ, बहुत बड़े चैलेंज का सामना आपको करना पड़ेगा। कोई मसला नहीं, आप जो चैलेंज दोगे इंशाल्लाह चैलेंज मैं पूरा करूंगा। ठीक है जी, वेट कीजिएगा बिग चैलेंज के लिए। चलो देखते हैं अभी इसका जो सेटअप है वो करते हैं और उसके बाद इसकी क्वालिटी आपको चेक करवाते हैं। क्वालिटी वैसे अगर बाहर से देखी जाए तो मुझे तो बहुत पसंद आ रही है। अभी इसकी जो है ना वॉइस क्वालिटी वो आपको चेक करवाता हूँ। हम लोगों ने कनेक्ट कर लिया और अब इसकी आवाज़ जो है ना मेरे ख्याल से पहले से काफ़ी बेहतर आ रही होगी। तो थोड़ा सा मैं दूर जाता हूँ तो तकरीबन जो है मैं मोबाइल से कम 10 से ज़्यादा मीटर दूर आ चुका हूँ और उसी वॉइस में बोल रहा हूँ। अब देखते हैं क्या इसमें आवाज़ को गुफार क्या ये कोई नहीं है। फाइनली जो चीज़ हमने चेक करनी है वो ये कि दो ट्रांसमीटर की आवाज़ जो है वो किस तरह आती है। एक मैंने लगाया हुआ है और एक मेरे दोस्त सैयद आफ्ताब हैदर ने लगाया हुआ है। तो अभी बातचीत करते हैं जी। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम जनाब। तो क्या हाल चाल है जनाब आपके? अल्लाह का शुक्र जी बिल्कुल ठीक ठाक। जो पिछला एक्सपेरिमेंट था ना कि हमने एक माइक लिया था वायरलेस इस तरह दो ट्रांसमीटर वाला, लेकिन वो बिल्कुल फ्लॉप गया था। K9 था, बहुत मतलब ना चाइना की कंपनी थी वो। एक में आवाज़ ठीक थी, दूसरे में जो है ना बड़ी भारी अजीब अजीब किस्म की आवाज़ थी। अभी हम बिल्कुल मोबाइल के थोड़ा करीब खड़े हैं, अभी थोड़ा पीछे जाते हैं फिर आपको सुनाते हैं। कि दोनों ट्रांसमीटर की आवाज़ कैसी आ रही है, तो क्या ख्याल है जब आपके 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट होंगे तो आप लोगों को किस तरह की वीडियोज देंगे जी? यार मेरा ख्याल तो ये है कि जिस तरह के लोग मुझे कहेंगे ना, सही है, मतलब जो पहले 4-5 कमेंट्स आएंगे, जो भी आएंगे, चाहे मुझे कुछ चैलेंज देता है जो कुछ कहता है, मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। अगर मैं आपको कहूँ कि आप अपने किसी एक सब्सक्राइबर को 1,00,000 रुपए दे तो आप देंगे? 1,00,000 रुपए? मुश्किल सवाल कर दे यार। सोच ले यार 1,00,000 रुपए अपने आप अपने सब्सक्राइबर के लिए इतना भी नहीं कर सकते? यार मैं ये जो माइक है ना ये वाला स्पॉन्सर कर सकता हूँ। नजर आ रहे होंगे या नहीं लेकिन ढेर सारे पैसे हैं भाई, इतना सस्ता माइक नहीं है ये जितना आप समझ रहे हैं। तो ये माइक लेते हुए हम बहुत ज्यादा कंफ्यूज थे, बहुत ज्यादा डर था यार कि पत्नी कंपनी किस तरह की होगी, क्या होगा, कुछ स्टैंप लगी होगी, लेकिन फिलहाल हम फिलहाल इससे बहुत मुतमैन है। थोड़ा और पीछे चलते हैं और ये पूरे और अगर वीडियो यार अगर व्यूज आना शुरू हो, वाइट टाइम आए ना, फिर तो मजा ही आ जाए। काफी इतना यार, बहुत दूर नहीं उधर नहीं जाना। तो अब हम यहाँ पर कम से कम भी 30 मीटर के फासले पर मौजूद हैं। 30 मीटर से ज़्यादा ही फासला होगा, काम नहीं होने वाला। हाँ जी अभी जो है आवाज़, आप लोगों ने फैसला करना है कि इसकी आवाज़ किस तरह आ रही है, क्लियर है, कोई कटिंग है, आपको पसंद आ रही है, नहीं आ रही, आप लोगों का ये जो है ना वो सब बातें छोड़ दी हैं हमने। और आपको ये बात भी बता दें कि हमारे जो चैलेंज वीडियोज़ हम दोनों ने मिलकर बनानी थी वो सिर्फ माइक के ना होने की वजह से नहीं बन पा रही थी, क्योंकि जाहिर बात है जब माइक लगा होगा फिर बंदा पीछे एक्टिंग या परफॉर्मेंस कर सकता है। तो अभी इंशाल्लाह आपको चैलेंज वीडियोस भी देखने को मिलेंगी इस चैनल पर, बल्कि न्यू चैनल पर, वो आपके लिए सरप्राइज़ है कि कौन सा होगा, लेकिन इंशाल्लाह आपको जल्द बता देंगे। ओके जी, उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर के सब्सक्राइबर यार पूरे कर दें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।